आप लोग सेमेस्टर टू में पहुंच चुके हैं ऑफिशियली। भले ही ये ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा आप लोगों को ये बता दिया गया है कि आप लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेस्ड पर सेमेस्टर टू में प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए सेमेस्टर टू का 10 जून से ही क्लास शुरू हो गया है, और इसमें से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से सेमेस्टर वन में 2 कोर पेपर, कोर वन और कोर टू था, और 1 GE पेपर था और 1 AECC पेपर था, 4 पेपर कुल फर्स्ट सेमेस्टर में थे, ठीक उसी तरीके से सेमेस्टर टू में भी कुल 4 पेपर ही आप लोगों को पढ़ना है, कोर थ्री, कोर फोर और 1 GE पेपर और 1 AECC। में इस बार आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। तो आज हम लोग कोर थ्री के सिलेबस पर बात करेंगे। देखिए, कोर वन में जिस तरीके से आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना था, ठीक उसी तरीके से कोर थ्री में भी आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने मौर्य काल तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था, और सेमेस्टर टू में मौर्य काल से लेकर के जो है वो सल्तनत, पूर्व सल्तनत काल तक का इतिहास पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को कोर थ्री के सिलेबस में पढ़ना है, और कोर फोर में आप लोगों को जो है मॉडर्न यूरोप का इतिहास पढ़ना है। तो खैर, मॉडर्न यूरोप के इतिहास का जो सिलेबस है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो है इस पर जो कोर थ्री का पेपर है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कुल जो है 8 टॉपिक हैं, और ये 8ों टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या आप लोगों को कोर थ्री में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले है कि पहला टॉपिक है पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद भारत पर मुख्य रूप से 3 विदेशी आक्रमण हुए थे, बैक्ट्रियन, ग्रीक, सीथियन और कुषाण। इन तीनों के बारे में आपको पहला टॉपिक में पढ़ना है कि उनका आक्रमण किस तरीके से हुआ, उनके कौन कौन से प्रमुख शासक थे और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यही चीज़ आप लोगों को इसमें पढ़ना है। इसका हम जो है PDF भी आप लोगों को दे देंगे, आप लोग एक बार देख लें। पहला टॉपिक है पोस्ट मौर्यन पीरियड 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। इसमें है इन्वेशन एंड दियर इम्पैक्ट्स, बैक्ट्रियन ग्रीक, सीथियन एंड कुषाण, है ना। अर्थात कि बैक्ट्रियन ग्रीक, जिसको भारतीय स्रोत में जो है हिंद यवन कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। सीथियन अर्थात कि शक शासकों के बारे में जानना है, और कुषाण जिसका एक प्रमुख शासक हुआ था, बहुत महान शासक कनिष्क, इसके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से जानना है। और साथ ही साथ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या किसने की थी, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और मौर्य साम्राज्य का वहीं से पतन हो गया। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिटेल से जानना है। दूसरा, कुषाण वंश में कनिष्क के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना है। और तीसरा, सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ गौतमी पुत्र सत्कर्णी, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल से जानना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कनिष्क और गौतमी पुत्र सत्कर्णी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोनों टॉपिक, कनिष्क और गौतमी पुत्र सत्कर्णी, इसको आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। इसका मैं मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको रेगुलर तरीके से अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोगों को, तो बहुत विस्तृत रूप से इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और जहां आप लोगों को जो चीज़ पूछना हो कभी, तो उस वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा कोई क्वेश्चन अगर आप लोग डालेंगे तो मुझे यहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं उसे क्वेरी करके आपका जवाब आप लोगों को दे दूंगा, है ना। और जो सेकेंड टॉपिक इसी में से, इसका ये पॉलिटी हो गया शुंग, कुषाण और सातवाहन, इसी का इकोनॉमी भी पढ़ना। इकोनॉमी अर्थात किसका, कि पोस्ट मौर्यन पीरियड अर्थात कि मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के दौरान की अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना था। खास करके भूमि अनुदान के बारे में पढ़ना था। सबसे पहले भारत में सातवाहन वंश ने ही भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना है आप लोगों को। इस और साथ ही साथ मौर्योत्तर काल का व्यापार कैसा था, इसके बारे में जानना है, और व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे,
ये जानना है, और साथ ही साथ इंडो रोमन व्यापार अर्थात कि भारत और रोम के बीच का जो व्यापारिक संबंध था उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स जानना है। तो ये आपका जो पहला टॉपिक था उसके सब पार्ट्स हैं, और साथ इसमें एक चीज़ और जानना है, रिलीजन एंड कल्चर अर्थात कि धर्म और सोसाइटी जो संस्कृति थी वो कैसी थी मौर्यत्तर काल के दौरान, वो आप लोगों को विस्तृत रूप से जानना है। तो ये हो गया आप लोगों का पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है संगम एज अर्थात कि संगम काल। संगम काल बेसिकली संगम काल जैसा कोई एक निर्धारित कालखंड नहीं है, यह दक्षिण के तमिल क्षेत्र में तमिल कवियों के द्वारा एक सभा आयोजित की जाती थी टाइम टू टाइम, और उसके आधार पे जो मुझे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है ना, और जिस कालखंड के बारे में संगम साहित्यों में जानकारी मिलती है उसी के आधार पे उस पूरे कालखंड को संगम काल से जो है इतिहासकारों ने इसे नामित किया है। ये इसके और ये सबसे बड़ी बात कि ये संगम काल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र का संपूर्ण साहित्य जानने में ये तमिल साहित्य का अर्थात संगम साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड टॉपिक है गुप्ता एज अर्थात कि गुप्तकाल। गुप्तकाल के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, इसमें तीन मुख्य शासकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम अर्थात कि वो चंद्रगुप्त मौर्य समझ लेते हैं, तो ध्यान रखें कि मौर्य काल का ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है बल्कि गुप्त काल का ये चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये तीन महान शासकों के बारे में आप लोगों को गुप्ता एज में पढ़ना है, साथ ही साथ गुप्त काल की सामाजिक धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से जानना है, और गुप्त वंश का कैसे विनाश हुआ उसके बारे में भी जानना है, उसका प्रशासन कैसा था अर्थात कि उसकी प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसमें एग्जामिनेशन के व्यू से आप लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात कि विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ये दो शासकों के बारे में बहुत ही डिटेल्स आप लोग जानेंगे, और इस पर मैं काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा भी करूँगा। तो इसीलिए आप लोग अभी यहाँ पर सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दें, बाद बाकी जब मैं नेक्स्ट क्लास से टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से इस पर मैं डिस्कशन करूँगा, है ना। यहाँ एक चीज़ और देखें कि ये तो तीन शासक हुए, प्लस इसका जो कल्चरल डेवलपमेंट था संगम मतलब गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा, है ना। तो आखिर गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, है ना, आखिर उसकी उपलब्धि क्या थी। तो बेसिकली उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही जो है गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, है ना। तो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि में क्या क्या था, जैसे कि वास्तुकला, मूर्तिकला, कला, है ना, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति, इन सारी उपलब्धियों के कारण जो है उसको प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, और इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना है, है ना। तो ये चीज़ जानना है। दूसरा, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन अर्थात कि राज्य और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में कैसी थी इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स जानना है, है ना। थर्ड है डिक्लाइन अर्थात कि गुप्त काल का पतन कैसे हुआ, है ना। गुप्त साम्राज्य का जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महान साम्राज्य हुआ, इतने बड़े साम्राज्य का आखिर पतन कैसे हो गया इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है। एंड नेक्स्ट है इसी में गुप्त काल का ही आप लोगों को इकोनॉमी जानना है अर्थात कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, जिसमें एग्रेरियन स्ट्रक्चर अर्थात कि कृषि व्यवस्था कैसी थी, कृषि संरचना कैसी थी उसके बारे में जानना है, लैंड ग्रांट्स अर्थात भूमि अनुदान क्या था उसके बारे में जानना है, कॉइन्स एंड करेंसी सिस्टम अर्थात कि मुद्रा और विनिमय प्रणाली कैसी थी उसके बारे में भी जानना है आप लोगों को, और गुप्त काल के दौरान का जो व्यापार था वो कैसा था इसके बारे में भी जानना है, साथ ही साथ मध्य एशिया के साथ सेंट्रल एशिया के साथ इसके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध जो थे उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स जानना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का अर्थात कि चौथा टॉपिक, है ना, चौथा टॉपिक है हर्षवर्धना कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात कि हर्षवर्धन की विजय
और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानना है। तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है हर्षवर्धना, इसलिए चूंकि ये वर्धन वंश का था, इसे आप लोगों को पता होगा। इसके समय में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये काफ़ी उत्तर भारत का ये अंतिम महान हिंदू सम्राट, इसको हर्षवर्धन को बोला जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है, इसके बारे में इसलिए विस्तृत रूप से जानना है। एंड पांचवा टॉपिक है पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत आप लोगों को जो है कुल 6 वंश के बारे में पढ़ना है, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और प्रतिहार और पाल। ये 6 जो वंश राजवंश हुए, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि इन 6 वंश के बारे में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए फिर भी ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कौन कौन सा, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार और ये पाल्स, ये 6 वंश के बारे में आप लोग, मतलब इसके बारे में भी हम आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे, ताकि आप लोग आसानी से उसको लिख सकें। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती है, जिस तरीके से आप लोग सेमेस्टर 1 में बिना क्लास किए या एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिए सेमेस्टर 2 में पहुँच गए हैं, तो इसको भी हल्के में ना लें, क्योंकि सेमेस्टर 2 तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और वैसी स्थिति में इंटरनल एक्सटर्नल सारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप लोगों को बढ़िया तैयारी करना है, ताकि जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोग दें तो वहाँ अच्छे मार्क्स ला सकें। यहाँ तो इंटरनल एग्ज़ाम्स में हम लोग अच्छा मार्क्स आप लोगों को देंगे ही देंगे, ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट, किसी का भी रिज़ल्ट ख़राब नहीं हो, ना ही किसी को ख़राब मार्क्स आए, है ना। इसीलिए आप लोग सेमेस्टर 2 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक है 6th टॉपिक, अरब इन्वेंशन कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स, कि अरब, भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ उसका क्या कारण था और उसका क्या परिणाम निकला। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आता है कि अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानना है। कारण ज़्यादातर कारण राजनीतिक और धार्मिक ही बताया जाता है अरब आक्रमण का, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा दूरगामी हुआ, इसलिए इसके प्रभाव को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। 7th टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राजपूत, अर्थात कि इस दौरान, अर्थात कि कहने का मतलब ये है कि गुप्ता एज के बाद, अर्थात जिस इसको गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कहते हैं, गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक घटना घटी भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वो था राजपूतों का उदय, जो मतलब उत्तर मुगल काल तक चलता है ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे राजपूतों का उदय हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों को ये जानना है। एंड लास्ट टॉपिक है गजनवी इन्वेंशन नेचर कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, अर्थात कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण हुआ उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से जानना है, कि उसका नेचर कैसा था, अर्थात प्रकृति कैसी थी, उस आक्रमण करने का कारण क्या था और उसका इम्पैक्ट्स क्या था, अर्थात उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को कोर थ्री में पढ़ना है, है ना। तो ये टोटल जो हैं वो 8 टॉपिक हैं कोर थ्री में, है ना। ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, अर्थात महेंद्र सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और जो कोर 4 होगा, जो मतलब मॉडर्न यूरोप का इतिहास है, वो सोनाली सुप्रिया मैम आप लोगों को पढ़ाएंगी। और साथ ही साथ आप लोगों का जो एक जी पेपर है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों का जी पेपर पॉलिटिकल साइंस ही है, है ना, तो वो आप लोगों को भोला सर पढ़ाएंगे या रणधीर सर पढ़ाएंगे। तो खैर, जी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और साथ ही साथ जो कोर 4 का जो सिलेबस है उसकी भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। और अगर आप लोगों को जी का सिलेबस चाहिए या EBS का सिलेबस चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग फिर से एक बार सरसरी निगाह से देख लें, कि एक बार सिलेबस देखिए, एक चीज़ ध्यान रहे कि पढ़ाई करने के दौरान ये सिलेबस का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। जस्ट लाइक आप इसको इस तरीके से समझिए, सपोज कीजिए कि अगर आप लोगों को अगर पता चले कि दिल्ली जाना है, अर्थात कि एग्ज़ाम, दिल्ली को आप लोग एग्ज़ाम मान लीजिए कि एग्ज़ाम पास करना है, मतलब दिल्ली जाना है, लेकिन उस जाना कैसे कैसे, उसका रूट क्या है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से एग्ज़ाम पास करने के लिए आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए,
है ना। ज़्यादातर बच्चे को हमने देखा है कि एग्ज़ाम जब आने वाला होता है, एक्सटर्नल, वो भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम आने वाला होता है, तब सारे बच्चे जो हैं वो सिलेबस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अरे हमें पढ़ना क्या है ना। तब वो खोजना शुरू करते हैं, अपने दोस्तों यारों से पूछते हैं कि यार हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मतलब कोर 3 में क्या पढ़ना है, कोर 4 में क्या पढ़ना है, या कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, बच्चों को यही नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा आप लोग सिंसियर हो जाएं कि अपना सिलेबस पे ध्यान रखें कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने कोर 3 का सिलेबस पे अभी चर्चा की है। कोर 3 में जैसा कि हमने बताया, कुल टोटल 8 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, और ये एंशियंट इंडिया है, अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास है, और इसमें मतलब मौर्यत्तर काल से लेकर के, है ना, सल्तनत काल के पूर्व का इतिहास, अर्थात सल्तनत काल वो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है, मतलब सल्तनत काल के पूर्व का जो इतिहास है उसके बारे में आप लोगों को पूरा जानना है। तो सबसे पहले मौर्य काल के बाद मौर्य वंश का जैसे पतन होता है, उसके बाद शुंग वंश और मतलब सातवाहन वंश, ये दो हिंदुस्तानी वंश होते हैं जो अस्तित्व में आते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ 3 विदेशी आक्रमण होते हैं, है ना, बैक्ट्रियन, ग्रीक, सीथियन और कुषाण, इन तीनों वंशों के बारे में भी आप लोगों को बहुत ही विस्तृत रूप से जानना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका संगम एज, है ना, संगम एज के बारे में भी, उसकी पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड लिटरेचर, ये 4 चीज़ के बारे में जानना है, अर्थात पॉलिटी, है ना, सोसाइटी, कल्चर एंड लिटरेचर, ये 4 चीज़ के बारे में आप लोगों को संगम एज के बारे में जानना है। तो खैर इस पर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक था गुप्ता एज। गुप्ता एज में 3 प्रमुख शासकों के बारे में आप लोगों को जानना है, कौन कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, ये 3 महान शासक हुए गुप्त काल में, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और साथ ही साथ गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता था, इसके लिए उसकी क्या क्या उपलब्धि सामने आई, इसके सारे इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है। फोर्थ टॉपिक था हर्षवर्धन, ये एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसलिए हर्षवर्धन के बारे में पूरा आप लोगों को जान लेना है, खास करके उसका कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थात कि उसे उसकी विजय, मतलब उसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, किनसे किनसे लड़ाई की, और उसकी प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैसा था, ये आप लोगों को जानना है। 5वां टॉपिक था पेनिनसुलर इंडिया, अर्थात कि प्रायद्वीपीय भारत में जो राजवंश, जिन जिन राजवंशों का उदय हुआ, और साथ ही साथ एक बंगाल में का जो पाल वंश हुआ उसके बारे में जानना है। इसमें कुल 6 राजवंशों के बारे में जानना है, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश, इन 6 राजवंशों के बारे में आप लोगों को जानना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर इससे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और 6ठा टॉपिक था अरब इन्वेंशन, अर्थात कि भारत पर अरब आक्रमण, है ना, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे, अर्थात या भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, है ना, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है। और 7वां टॉपिक था ओरिजिन ऑफ राजपूत, अर्थात कि भारत में जो राजपूतों का उदय हुआ गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद में जो राजपूतों का उदय हुआ वो कैसे उदय हुआ, किन परिस्थितियों में उदय हुआ, राजपूतों, राजपूत शासकों की उपलब्धि क्या रही, उसके बारे में भी जानना, ज़्यादातर इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉप में लास्ट टॉपिक है गजनवी इन्वेशन, नेचर कॉजेज इम्पैक्ट, अर्थात कि मोहम्मद गजनवी का भारत में जो आक्रमण हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये इस तरीके से ये संपूर्ण टॉपिक है। और एक चीज़ सेमेस्टर 2 के बच्चों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग विशेषकर जो अभी तक हमने 4 साल, मुझे 3 साल लगभग होने चला BS के कॉलेज में, इन 3 साल के दौरान हमने जो देखा है कि सेमेस्टर 2 में ज़्यादातर बच्चे, है ना, आप अपने सीनियर से भी पता कर सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो ACC पेपर, EVS का पेपर होता है उसमें प्रमोट कर जाते हैं, क्योंकि खास करके पहला दिन हिस्ट्री वालों का ही एग्ज़ाम होता है EVS का, और वो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो आधा से ज़्यादा बच्चा उसमें जो है प्रमोट कर जाता है, और उसके कारण उसका सारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो ध्यान रहे कि EVS की तैयारी आप लोगों को बड़े बढ़िया से करना है ना, क्योंकि हर बार किस्मत साथ नहीं देगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पेंडेमिक एज चल रहा है ना, और ये आगे ऐसा बना रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट बार मतलब निश्चित तौर पे आप लोगों को एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में
आप लोग जो है वो इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से तैयार कर लेंगे, और मैं इसे टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को अच्छे से तैयार करवाऊंगा। तो आप लोग जो एक सुनिश्चित टाइम आप लोग सेलेक्ट कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि किस टाइम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे, ताकि मैं आप लोगों का रेगुलर क्लास कल से ले सकूं और लाइव क्लास ले सकूं, है ना। और जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उसे डालें, ताकि हम उसे बढ़िया से जो है टेक ओवर कर सकें, आप लोगों को उसका जवाब दे सकें और उसे डिस्कस कर सकें। तो आज मतलब इसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मतलब कोर 4 का जो सिलेबस है उसको उसके बारे में बता दूँ, और साथ ही साथ जी जिसका जिसका भी पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में मैं बता दूँगा, और अगर किसी का दूसरा जी पेपर है तो उसके बारे में आप लोग मुझे बताएं, ताकि उसका भी सिलेबस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा या आप डिस्कशन कर दूंगा, जैसा भी आप लोग कहें। और साथ ही साथ ACC के बारे में मैं भी बताऊंगा। ACC का तैयारी आप लोग थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कम से कम हर दिन 10 मिनट ACC जो EVS का पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बारे में अगर आप लोग देंगे तो वो आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, ताकि जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का किस्मत साथ दिया, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का मेहनत साथ दे, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैंने कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी ये यूनिवर्सिटी या सरकार ने जो घोषणा की कि सारे बच्चों को मतलब फर्स्ट थर्ड और मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, तो आप लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा, भले ही आप लोगों का अभी मतलब फॉर्म नहीं भरा पाया है। जैसे ही फॉर्म भराएगा आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और यहाँ जो प्रमोट करने का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा आप लोग समझें कि आखिर किस आधार पे आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जिस पेपर में जितना मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स में दिए हैं उसका 4 गुना जो पिछला साल का जो रहा है रिकॉर्ड, उसके बारे में उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि उसका 4 गुना आप लोगों को एक्सटर्नल एग्जाम में दिया जाता है। इसलिए इंटरनल एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे इंटरनल एग्ज़ाम्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उस पर अब मैं कई बार मुझे शिकायत मिली है कि मतलब मैडम जो हैं कई बार आप लोगों को रिकॉल की कि आप लोगों का आंसर गलत लिखा हुआ है, आप लोग दोबारा जो है लिख के आंसर भेजिए ताकि मैं अच्छा नंबर दे सकूं, है ना। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझिए कि अगर आप लोग बेहतर इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, तो अगर मैं 20 में से किसी को 15 नंबर दे रहा हूँ तो उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 15 चौके 60 नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब सोचिए। और अगर मैं किसी को इंटरनल एग्ज़ाम में 10 ही नंबर दे रहा हूँ तो उसको 10 चौक 40 नंबर ही मिलेगा, मतलब सोचिए कि अगर मैं 5 नंबर बढ़ाता हूँ तो आपको एक्सटर्नल में 20 नंबर का फ़ायदा हो रहा है ना, और अगर मैं 5 नंबर घटा देता हूँ तो आप लोगों को 20 नंबर का नुकसान हो रहा है। अब सोचिए जिसका एकदम आंसर ख़राब लिखा हुआ है उसको मैं मात्र पासिंग नंबर दूंगा, मात्र 8 नंबर, है ना। तो 8 नंबर अगर मैं यहाँ देता हूँ तो उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कितना मिलेगा, मात्र 32 नंबर मिलेगा। और अगर मैं किसी को 18 नंबर दे देता हूँ सपोज कीजिए, है ना, तो उसको 54 नंबर मिलेगा, 56 नंबर मिलेगा, है ना। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा अंतर है, मतलब जस्ट डबल। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि इंटरनल एग्ज़ाम बहुत ही मायने रखता है आप लोगों के लिए, और उसी के बेस्ड पे एक्सटर्नल का इस बार जो है वो आप लोगों का जो मार्क्स है वो निर्धारित होगा, है ना। ये तो इसीलिए अभी भी अगर आप लोग को मैडम अगर बोली हैं कि अगर आप लोग बढ़िया से कॉपी लिख के, जिन जिन बच्चों का रोल नंबर मैडम दी हैं कि ये सारे बच्चे अगर बढ़िया से कॉपी लिख के दे देते हैं तो उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, ये आप तय माने। आप इतना ही सोचिए कि अगर आप बढ़िया नहीं लिखे हैं तो मैं उसे 8 नंबर दूंगा, मतलब उसको एक्सटर्नल में कितना मिलेगा, 8 चौक 32 नंबर, है ना। और अगर किस उसी बच्चे ने दोबारा अगर बढ़िया से लिख के भेजा तो मैं उसे 15 नंबर अगर दे देता हूँ तो 15 चौके 60 नंबर मिलेगा उसे, सोचिए एक्सटर्नल में। तो 60 नंबर और इधर 15 नंबर, है ना, कुल मिला के उसे 75 नंबर प्राप्त होगा टोटल। और कहाँ अगर मैं 8 ही नंबर दूंगा तो 8 चौक 32 8 से 40, मात्र 40 नंबर मिलेगा एक को सारा मिला के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिए और इंटरनल एग्ज़ाम्स को थोड़ा सीरियसली लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम टाइम टू टाइम आप लोगों को हर टॉपिक पे क्लास करवाएंगे, तो आप लोग टाइम डिसाइड करके, ज़्यादातर बच्चों का मैं मैसेज देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मतलब 7 बजे शाम को कह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा डिसाइड कर लीजिए, जैसा आप बोलिएगा मैं वैसा ही करूँगा, है ना।
तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।